ओम शांति। आज 14 अगस्त 2020 बाप दादा की साकार मुरली और आज का गीत है दूर देश का रहने वाला आया देश पर आए। तो आज की बातचीत में बाप दादा बोले, मीठे बच्चे, बाप आए हैं तुम्हारा ज्ञान रत्नों से श्रृंगार कर वापस ले जाने के लिए, फिर राजाई में भेज देंगे तो अपार खुशी में रहो, एक बाप से ही प्यार करो, बाबा ने कहा। और आज की मुरली में प्रश्न है कि अपनी धारणा को मजबूत यानी पक्का बनाने का आधार क्या है। तो आधार एक ही है, सदैव ये पक्का करो कि आज के दिन जो पास हुआ अच्छा हुआ, फिर कल के बाद जरूर होगा। जो कुछ हुआ कल पहले भी ऐसा ही हुआ था, नथिंग न्यू। ये लड़ाई भी तो 5000 वर्ष पहले लगी थी और फिर लगेगी जरूर। देखो, इस भंभोर का विनाश तो होना ही है। ऐसे हर पल ड्रामा की स्मृति में रहो तो धारणा मजबूत होती जाएगी। आज बाप दादा बोले, बच्चे पहले भी दूर देश से पराए देश में आए हैं, तो अब इस पराए देश में दुखी हैं, इसलिए पुकारते हैं कि अपने देश घर ले चलो। तुम्हारी पुकार है ना, तो बहुत समय से याद करते आए हो, तो बाप भी खुशी से आ जाता है। जानते हैं मैं जाता हूं बच्चों के पास, जो बच्चे काम चिता पर बैठकर जल गए हैं, उन्हों को अपने घर भी ले जाऊं और फिर राजाई में भी भेज दूं, उसके लिए ज्ञान से श्रृंगार भी करूं। कितना कुछ बाबा करता है ना। तो बच्चे भी बाप से जास्ती खुश होने चाहिए। बाप जबकि आए हैं तो उनका बन जाना चाहिए, उनको बहुत लव करना चाहिए। बाबा रोज समझाते हैं, आत्मा बात करती है। बाबा 5000 वर्ष के बाद ड्रामा अनुसार आप आए हैं तो हमको बहुत खुशी का खजाना मिल रहा है। बाबा आप हमारी झोली भर रहे हैं तो हमको अपने घर शांति धाम में ले चलते हैं और फिर राजधानी में भेज देंगे, तो कितनी अपार खुशी होनी चाहिए ना। बाप कहते हैं हमको इस पराई राजधानी में ही आना है। बाप का बड़ा मीठा और वंडरफुल सा पाठ है। देखिए, खास जबकि इस पराए देश में आए हैं, तो ये बातें तुम अभी ही समझते हो, फिर तो ये ज्ञान प्रायलोक हो जाएगा, वहां दरकार ही नहीं रहती। बाबा कहते हैं तुम कितने बेसमझ बन गए हो, ड्रामा का एक्टर होते हुए भी बाप को नहीं जानते। जो बाप ही करण करावन हार है, क्या करते क्या कराते ये सब भूल गए हो। सारी पुरानी दुनिया को हेवन बनाने आते हैं और ज्ञान देते हैं, तो वो ज्ञान का सागर है तो जरूर ज्ञान देने का कर्तव्य करेंगे ना। फिर तुमसे कराते भी हैं, औरों को भी मैसेज दो कि बाप सबके लिए कहते हैं कि अब देह का भान छोड़ मुझे याद करो तो विकर्म विनाश होंगे। सीक्वेंस है ना। बाबा कई बार कहता है देह भान को भूल, देही अभिमानी बन मामेकम याद करो तो विकर्म विनाश होंगे। तो मैं श्री मत देता हूं, पाप आत्माएं तो सब हैं। इस समय सारा झाड़ तमो प्रधान जर्जरी भूत अवस्था को पाया हुआ है। जैसे बांस के जंगल को आग लग जाती है तो एकदम सारा ही जलकर खत्म हो जाता है। जंगल में पानी कहाँ से आएगा जो आग को बुझाए। ये जो पुरानी दुनिया है उनको भी आग लग जाएगी। बाप कहते हैं नथिंग न्यू। बाप अच्छी अच्छी पॉइंट्स देते रहते हैं जो नोट करनी चाहिए, और बाप ने समझाया कि और धर्म स्थापक सिर्फ अपना धर्म स्थापन करने आते हैं, उनको पैगंबर या मैसेंजर आदि कुछ भी नहीं कह सकते। ये भी बड़ा युक्ति से लिखना होता है ना। क्यों? क्योंकि भड़क जाएंगे बाकी रिलीजन्स वाले। तो शिव बाबा बच्चों को समझा रहे हैं कि बच्चे तो सब हैं, ऑल ब्रदर्स है ना। तो हर एक चित्र में, हर एक लिखत में ये जरूर लिखना है कि शिव बाबा ऐसा समझाते हैं कि बाप कहते हैं बच्चे मैं आकर सत्युगी आदि सनातन देवी देवता धर्म की स्थापना करता हूं, जिसमें 100% सुख शांति और पवित्रता सब है, इसलिए उनको हेवन कहा जाता है। अंडरलाइन, वहां दुख का नाम नहीं होता। बाकी जो भी धर्म है उन सबका विनाश कराने निमित्त बनता हूं, और सत्युग में तो होता ही एक धर्म है, वो है नई दुनिया। पुरानी दुनिया को खत्म कराता हूं, ऐसा धंधा तो कोई और कर नहीं सकता। कहा जाता है शंकर द्वारा विनाश, विष्णु भी लक्ष्मी नारायण ही तो है ना, प्रजापिता ब्रह्मा भी तो यही है, यही पतित से पावन फरिश्ता बनते हैं, इसलिए फिर ब्रह्मा देवता कहा जाता है, जिससे देवी देवता धर्म स्थापन होता है। तो ये बाबा भी देवी देवता धर्म का पहला प्रिंस बनता है। ये सब वो बातें बताई जा रही हैं जो भविष्य में होनी है प्रैक्टिकली। त्रिकालदर्शी बाप
भविष्य की बात को इतने साधारण शब्दों में हमारे सामने रख दे रहा है। तो ब्रह्मा द्वारा स्थापना और शंकर द्वारा विनाश। अब चित्र तो देने पड़े ना समझाने के लिए, ये चित्र बनाए, इनके अर्थ का कोई को एक्चुअली पता नहीं है। सुदर्शन चक्रधारी का भी समझाया कि परमपिता परमात्मा सृष्टि के आदि मध्य अंत को जानते हैं, उनमें सारा ज्ञान है, तो सुदर्शन चक्रधारी ठहरे ना। जानते हैं कि हम ही ये ज्ञान सुनाते हैं, बाबा तो ऐसे नहीं कहेंगे कि मुझे कमल फूल समान बनना है। बाबा को क्या आवश्यकता है ना, सत्युग में तो तुम कमल फूल समान ही रहते हो। सन्यासियों के लिए ये नहीं कहेंगे, वो तो जंगल में चले जाते हैं। तो बाप भी कहते हैं पहले वो पवित्र सतो प्रधान होते हैं, भारत को थमाते हैं पवित्रता के बल से। भारत जैसा पवित्र देश कोई होता नहीं है ना, तो जब वो अपवित्र होता है तो कोई ना कोई चाहिए उसको भाई थोड़ा सा सस्टेन करने के लिए, थामने के लिए, है ना। तो बाबा कहते हैं जैसे बाप की महिमा है वैसे भारत की भी महिमा है। भारत ही हेवन था, ये लक्ष्मी नारायण राज्य करते थे, फिर कहाँ गए। अब त्रिकालदर्शी बाप हमें पास्ट की बात बता रहे हैं जो हो चुका है। अभी तुमको सारा ज्ञान है कि हम अभी पूज्य देवी देवता बनते हैं, अब प्रेजेंट की बात बता रहे हैं, है ना। फिर पुजारी मनुष्य बनेंगे, अब फ्यूचर बता दिया। मनुष्य तो देखो मनुष्य होता है ना, ये जो चित्र किस्म किस्म के बनाते हैं ऐसे कोई मनुष्य थोड़ी होते हैं, है ना। किसी को गणेश का वो क्या कहते हैं, गणेशा में क्या किया, हाथी का सर दिखा दिया, महावीर में बंदर बना दिया। बाबा ने कहा ऐसा नहीं होता कि आठ आठ दस दस भुजाएं हो। ये सब भक्ति मार के ढेर चित्र हैं। तुम्हारा ज्ञान तो गुप्त है ना, और ये ज्ञान सब नहीं लेंगे, जो इस देवी देवता धर्म के पत्ते होंगे वही लेंगे। बाकी जो औरों को मानने वाले हैं वो सुनेंगे ही नहीं, जो शिव और देवताओं की भक्ति करते हैं वही आएंगे। पहले पहले मेरी भी पूजा करते हैं, फिर पुजारी बन अपनी भी पूजा करते हैं। तो अब खुशी होती है कि हम पूज्य से पुजारी बने और अब फिर से पूज्य बनते हैं, तो कितनी खुशियां मनाते हैं ना। यहाँ तो अल्पकाल के लिए खुशी मनाते हैं, वहां तो तुमको सदैव खुशी रहती है। दीपमाला आदि लक्ष्मी को बुलाने के लिए नहीं होता, दीपमाला होती है कोरोनेशन पर, बाकी इस समय जो उत्सव मनाए जाते हैं वो वहां नहीं होते। वहां तो सुख ही सुख है, है ना भाई। फेस्टिवल्स की जरूरत कब पड़ेगी, जब आज का दिन फेस्टिवल जैसा ना हो। तो बाबा ने कहा वहां तो हर दिन क्या है, हर दिन फेस्टिवल है। तो फेस्टिवल मनाने की एज सच जरूरी नहीं होती। जिस दिन कोरोनेशन होता है, मतलब जिस दिन ताज पहनाया जाता है, क्राउनिंग होती है, है ना, राज्य तिलक कह लीजिए होता है, उस दिन वैसा होता है दीपमाला टाइप्स। तो बाकी इस समय जो उत्सव मनाए जाते हैं वो वहां नहीं होते, वहां तो सुख ही सुख है। वहां फ्रेंडशिप डे, वेमेन्स डे, है ना, ये सब फालतू चीजें नहीं होती। ये एक ही समय है जबकि तुम आदि मध्य अंत को जानते हो। तो ये सब पॉइंट्स लिखो। सन्यासियों का है हठ योग और ये है राजयोग। बाबा कहते हैं एक एक पेज में जहां था शिव बाबा का नाम जरूर हो। शिव बाबा हम बच्चों को समझाते हैं तो निराकार आत्माएं अब साकार में बैठी हैं, तो बाप भी साकार में समझाएंगे ना। वो कहते हैं अपने को आत्मा समझ मुझे याद करो, शिव भगवान उवाच बच्चों प्रति। खुद यहाँ प्रेजेंट है ना, तो मुख्य मुख्य पॉइंट किताब में ऐसी क्लियर लिखी हुई हो जो पढ़ने से आप ही ज्ञान आ जाए। शिव भगवान उवाच होने से पढ़ने में मजा आ जाएगा, ये बुद्धि का काम है ना। बाबा भी शरीर का लोन लेकर फिर सुनाते हैं, इनकी आत्मा भी सुनती है। तो बच्चों को नशा बहुत रहना चाहिए, बाप पर बहुत लव होना चाहिए, ये तो उनका रथ है, ये बहुत जन्मों के अंत का जन्म है और इनमें प्रवेश किया है। तो ब्रह्मा द्वारा ये ब्राह्मण बनते हैं, फिर मनुष्य से देवता बनते हैं। चित्र कितना क्लियर है ना, भल अपना भी चित्र दो ऊपर में व बाजू में डबल सरताज वाला, लेकिन योग बल से हम ऐसे बनते हैं, ऊपर में शिव बाबा, उनको याद करते करते मनुष्य से देवता बन जाते हैं। तो बिल्कुल क्लियर है, रंगीन चित्र का किताब ऐसा हो जो मनुष्य देख कर ही खुश हो जाए। उनसे फिर कुछ हल्के भी छपा सकते हो गरीबों के लिए, बड़े से छोटा, छोटे से छोटा कर सकते हो, रहस्य उसमें आ जाए। तो गीता के भगवान वाला जो चित्र है वो मुख्य है, उस पर गीता, मतलब उस गीता पर कृष्ण का चित्र है ना, तो उस गीता पर त्रिमूर्ति का चित्र होने से मनुष्यों को समझाने में सहज होगा। प्रजापिता ब्रह्मा के बच्चे तो ब्राह्मण यही हैं, है ना। प्रजापिता ब्रह्मा सूक्ष्म वतन में तो हो नहीं सकता। कहते हैं ब्रह्मा देवताए नमः, विष्णु देवताए नमः। अब देवता
कौन ठहरे, देवताएं तो यही राज्य करते थे ना, डीटिज्म तो यही था, यानी आदि सनातन देवी देवता धर्म। तो ये सब अच्छी रीति समझाना पड़ता है। ब्रह्मा सो विष्णु, विष्णु सो ब्रह्मा, दोनों तो यही है, चित्र है तो समझाया जा सकता है। और पहले पहले अल्प को सिद्ध करो तो सब बातें सिद्ध हो जाएंगी। बाबा सिद्ध हो गया तो बाकी तो परछाई है, वो तो हो ही जानी है। पॉइंट्स तो बहुत हैं, और सब धर्म स्थापन करने आते हैं, तो बाप तो स्थापना और विनाश दोनों कराते हैं ना, होता है सब ड्रामा अनुसार। ब्रह्मा बोल सकते हैं, विष्णु बोल सकते हैं, सूक्ष्म वतन में क्या बोलेंगे? बाबा कह रहे हैं ब्रह्मा बोल सकते, विष्णु बोल सकते हैं, सूक्ष्म वतन में क्या बोलेंगे? ये सब तो समझने की बातें हैं। यहाँ तुम समझकर फिर ट्रांसफर होते हो ऊपर क्लास में, कमरा ही दूसरा मिलता है। मूल वतन में कोई बैठ तो नहीं जाना है, फिर वहां से नंबरवार आना ही होता है। तो पहले पहले मूल बात एक ही है, उस पर जोर देना चाहिए कि कल पहले भी ऐसा हुआ था, ये सेमिनार आदि भी ऐसे ही कल पहले हुए थे, ऐसी ही पॉइंट्स निकली थी, आज का दिन जो पास हुआ अच्छा हुआ या जैसा भी हुआ, फिर कल बाद ऐसा ही होगा, बिल्कुल एक्यूरेट हुआ, अच्छा हुआ आज का दिन जो था जैसा था। ऐसे ऐसे अपनी धारणा करते तुम पक्के होते जाएंगे। अच्छा, बाबा ने कहा था मैगजीन में भी डालो ये लड़ाई लगी, नथिंग न्यू, 5000 वर्ष पहले भी ऐसे ही हुआ था, ये बातें तुम ही तो समझते हो ना, बाहर वाले तो समझ ना सकें, सिर्फ कहेंगे कि बातें तो बड़ी वंडरफुल हैं। अच्छा, कभी जाकर समझ भी लेंगे शिव भगवान आज बच्चों प्रति, तो ऐसे ऐसे अक्षर होंगे तो आकर समझेंगे भी। नाम लिखा हुआ है प्रजापिता ब्रह्मा कुमार कुमारियां, तो प्रजापिता ब्रह्मा से ही ब्राह्मण रचते हैं, और ब्राह्मण देवी देवताएं नमः कहते हैं ना, तो कौन से ब्राह्मण? तुम ब्राह्मणों को भी समझा सकते हो कि ब्रह्मा की औलाद एग्जैक्टली है कौन, है ना? प्रजापिता ब्रह्मा के इतने बच्चे हैं तो जरूर यही अडॉप्ट होते होंगे ना, जो अपने कुल के होंगे वो अच्छी रीति समझेंगे, तो तुम तो बाप के बच्चे हो गए, और बाप ब्रह्मा को भी अडॉप्ट करते हैं, नहीं तो शरीर वाली चीज आई कहां से, है ना? ब्राह्मण इन बातों को समझेंगे, सन्यासी नहीं समझ पाएंगे। देखो, अजमेर में ब्राह्मण होते हैं और हरिद्वार में सन्यासी ही सन्यासी हैं, पंडे ब्राह्मण होते हैं परंतु वो तो भूखे होते हैं। बोलो तुम अभी जिस्मानी पंडे हो, अब रूहानी पंडे बनो, तुम्हारा भी नाम तो पंडा है ना, पांडव सेना को भी समझते नहीं है, बाबा है पांडवों का सिरमौर, कहते हैं हे बच्चे मामेकम याद करो, तो विकर्म में विनाश होंगे और चले जाएंगे अपने घर, फिर बड़ी यात्रा होगी अमरपुरी की, मूल वतन की कितनी बड़ी यात्रा होगी, है ना? सबकी सब आत्माएं जाएंगी, जैसे मकड़ों का झुंड जाता है ना, मक्खियों की भी रानी भागती है तो उनके पिछाड़ी सब भागते हैं, वंडर है ना? सब आत्माएं भी मच्छरों मिसल चली जाएंगी, शिव की बारात है, तुम सब ब्राइड्स हो और मैं ब्राइड ग्रूम आया हूँ सबको ले जाने के लिए। तुम छीछी हो गए हो इसलिए श्रृंगार करके साथ ले जाऊंगा, जो श्रृंगार नहीं करेंगे तो सजा खाएंगे। देखो, जाना तो है ही, काशी कलवट में भी मनुष्य मरते हैं तो सेकंड में कितनी सजाएं भोग लेते हैं, मनुष्य चिल्लाते रहते हैं, ये भी ऐसा ही है, समझते हैं हम जैसे कि जन्म जन्मांतर का दुख सजा भोग रहा हूं, वो दुख की फीलिंग ही ऐसी होती है, जन्म जन्मांतर के पापों की सजा मिलती है और फिर सजाएं खाएंगे उतना पद कम हो जाएगा। इसलिए बाबा कहते हैं योग बल से हिसाब किताब चुकतू करो, याद से जमा करते जाओ, नॉलेज तो बहुत सहज है, अब हर कर्म ज्ञान युक्त करो, दान भी पात्र को ही देना है, पापात्माओं को देने से फिर देने वाले पर भी उसका असर पड़ जाता है, वो भी पापात्माएं बन जाते हैं, ऐसे को कभी नहीं देना जो उस पैसे से जाकर फिर कोई पाप आदि करे, पाप आत्माओं को देने वाले तो दुनिया में बहुत हैं, अब तुमको तो ऐसा नहीं करना ना। अच्छा, मीठे मीठे सिकी लदे बच्चों प्रति, मात पिता बाप दादा का याद प्यार और गुड मॉर्निंग, रूहानी बाप की रूहानी बच्चों को नमस्ते, हम रूहानी बच्चों की रूहानी बाप दादा को याद प्यार गुड मॉर्निंग और नमस्ते नमस्ते। धारणा के लिए मुख्य सार में बाबा ने कहा अभी हर कर्म ज्ञान युक्त करना है और पात्र को ही दान देना है, पाप आत्माओं से अब कोई पैसे आदि लेने की दरकार नहीं है, योग बल से सब पुराने हिसाब किताब चुकतू करने हैं, अपार खुशी में रहने के लिए अपने आप से बातें करनी है कि बाबा आप आए हैं हमें अपार खुशी का खजाना देने,
अब हमारी झोली भर रहे हैं। आपके साथ पहले हम शांति धाम जाएंगे और फिर अपनी राजधानी में आएंगे। वरदान सुनिए, महावीर विजयी भव। बाबा ने कहा कल्प कल्प के विजय की स्मृति के आधार पर माया दुश्मन का आवाहन करने वाले महावीर विजयी भव। महावीर विजयी बच्चे पेपर को देखकर घबराते नहीं है, क्योंकि त्रिकालदर्शी होने के कारण जानते हैं कि हम कल्प कल्प के विजयी हैं। महावीर कभी ऐसे नहीं कह सकते कि बाबा हमारे पास माया को मत भेजो, कृपा करो, आशीर्वाद करो, शक्ति दो, क्या करूं, कोई रास्ता दो, ये भी कमजोरी है। महावीर तो दुश्मन का आवाहन करते हैं कि आओ और हम विजयी बने। तो स्लोगन है, समय की सूचना है, समान बनो, संपन्न बनो। सूचना किसकी है? समय की। ओम शांति।